अस्तगफार, कहते हैं कि रिस्क की बेहुर्मती करने वाले को बड़ा सख्त गुनाह मिलेगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं रिस्क आया कर रही हूँ? नहीं नहीं, तुम तो खेल रही हो मासूम बच्ची। हाय मिशी, ये तुम आंखों में मक्खन क्यों डाल रही हो? ताकि मिशी को कुछ भी धुंधला ना नजर आए, है ना मिशी? मुझे वैसे ही सब कुछ साफ दिखाई देता है चिकू भैया, एक्स्ट्रा आंखों की तो तुमको और चुन्नी को जरूरत है। मिशी मुझे तो बताओ ना, ये तुम आंखों में मक्खन क्यों डाल रही हो? पता है मुन्नी, मैंने रिसाले में पढ़ा है कि आंखों में मक्खन लगाने से ना पलके लंबी हो जाती है। अब क्या बंदा हर वक्त नकली पलके लगा के रखे, सरा सी हवा चलती ना तो फड़फड़ाने लगती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, उस दिन होटल में चाय की भाप से मेरी एक पलक चाय के कप में गिर गई। उफ, इतनी शर्मिंदगी हुई क्योंकि वेटर भी सर पे खड़ा था। हाय अल्लाह, ऐसा बुरा वक्त तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखा। नो, तुम भी जल्दी से लगा लो। है कौन? इतने धड़ल्ले से हमारे घर में क्यों घुसती आ रही है? तुम्हें मैं हूँ, तुम्हारी फ्रेंड कम्मो। ओ कम्मो, तुम लेकिन तुम ऐसे डाकुओं की तरह क्यों आई हो? ओहो, तुम्हें तो पता है ना, अम्मी कहती है इतना तैयार होके घर से ना निकला करो। तुम्हें पता है ना इतना खूबसूरत होना कितना मसला है। हाँ। ये तुम प्लेट में क्या लाई हो? ओ ये बिल्कुल एक मैंने नई डिश सीखी है तुम्हारे लिए, इसे कहते हैं वो ब्रेड एंड बटर। ओ कम्मो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें नहीं पता मुझे मक्खन कितना पसंद है। मगर तुम मुझे अंदर नहीं लेके जाओगी? अंदर आके क्या करोगी, सब तो सो रहे हैं। मगर अंदर से आवाजें तो आ रही हैं। वो तो टीवी चल रहा है ना। अच्छा चलो फिर मिलके टीवी देखते हैं। मुझे दोबारा नींद आ रही है, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी। तुम ऐसा करो, तुम अभी चली जाओ, थोड़ी देर ठहर के आना। अच्छा चलो, मैं फिर थोड़ी देर ठहर के आती हूँ। काफी देर ठहर के। वैसे क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम तो ये बहुत सारी है, दिल की सारी शरियाने बंद हो चुकी हैं जी, और जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेशर कुकर बन चुका है, जुबान में लुकनत, ये अजाब में तशनज, सिर और कमर में हर वक्त दर्द, दर्द शकीका। और डॉक्टर साहब बस घबराहट बहुत होती है, लगता है मुझे बाईपास करवाना ही पड़ेगा। वैसे इन अलावात की होते हुए किसी का संदर्भ में एक मौत है। आप लंबे लंबे सांस ले, ले ना लंबे सांस ले। डॉक्टर साहब आप इसे क्यों चेक कर रहे हैं? तो और किसे चेक करूं? मरीज तो मैं हूं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? आप वहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर साहब मुझे उठने से घबराहट होती है जी, और चक्कर आते हैं, आप मुझे इधर चेक कर लीजिए आके। आप हुक्म करिए, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आपका दिल तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सेहतमंद है आप तो बिल्कुल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब आप नहीं समझ रहे, आप ठीक से चेक करें, ये दिल का मामला है। लेकिन आपका दिल तो बिल्कुल सेहतमंद है। डॉक्टर साहब नहीं, नॉर्मल नहीं है, ये दिल का मामला है, दिल का।